नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान आ रहे हैं आपके घर। जी दोस्तों, पहचानने में कोई भी भूल मत करना, वरना दोस्तों सालों के बाद आया यह मौका आपके हाथ से चला जाएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यूँ तो भगवान हनुमान जी सभी के ऊपर इतना कृपा दृष्टि बरसाते हैं कि उनके जीवन काल में कभी भी कोई दुख नहीं आता, परंतु उससे बस जरूरत ये होती है कि उनके भक्ति पर वह लीन रहे, उनके ऊपर वह विश्वास करे। और जो भक्त उनके जीवन काल में ऐसी क्रियाएं करती है, ऐसा समय का निर्माण करता है कि भगवान महाबली हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, तो दोस्तों स्वयं महाबली हनुमान जी उनके घर आते हैं जी दोस्तों, और उनके जीवन काल की सारी संकटों को दूर कर देते हैं जी दोस्तों। और आने वाले समय में अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के भी जीवन काल में स्वयं महाबली हनुमान जी संकट मोचन संकट निदान आपके संकटों को हरने के लिए आ रहे हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में अब महाबली हनुमान जी आपको कौन कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, साथ ही दोस्तों महाबली हनुमान जी के लिए आपको कौन सी विशेष सावधानियां अब रखने की जरूरत होंगी ताकि महाबली हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी जीवन काल की सभी समस्याओं को दूर कर दे जी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलेंगी, कौन कौन सी विशेष सावधानियाँ आपको इसमें रखनी होंगी। दोस्तों, सभी बातें पूरी तरह बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित है दोस्तों। अगर आप सुन लिए तो दोस्तों आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा, इस बात की गारंटी है जी दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त परम सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा जी दोस्तों, आपके जीवन काल की कष्टें भी इनसे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से कि दोस्तों, क्रोध अगर सोमवार को आए तो कहना कि सप्ताह की शुरुआत है, आज नहीं करूँगा। मंगलवार को आए तो बोलना कि मंगल में अमंगल क्यों करूँ। बुध को अगर आ जाए तो कहना कि बुध तो शुद्ध है, इसे अशुद्ध क्यों करूँ। गुरुवार को अगर आ जाए तो बोल देना कि आज तो गुरु का दिन है, मन में शांति रखना है। शुक्रवार को आए तो कहना कि शुक्र को तो शुक्रिया अदा करना है भगवान का। शनिवार को आए तो कहना, तो सोचना कि शनि के दिन घर में शनिचर क्यों आए। और रविवार को आए तो कहना, आज तो छुट्टी का दिन है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, कभी क्रोध ना कीजिए जी दोस्तों, क्योंकि क्रोध हमेशा मनुष्य को उनके ऊंचाइयों से नीचे ही गिराया है। कभी किसी का क्रोध उनके ऊंचाइयों का काबिल नहीं बना है, ऊंचाइयों का हौसला नहीं बना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, समय अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में इनके लिए दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, के उपरांत बात करते हैं कि स्वयं महाबली हनुमान जी आपके घर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपके जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में हम आपको भगवान हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे जिन्हें अगर आप कर लेंगे, जिन्हें अगर आप सुन लेंगे, तो दोस्तों आपके जीवन काल में भगवान हनुमान जी हमेशा खुशियां बरसाते रहेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में आप सभी को प्राप्त होगा और महाबली हनुमान जी आपके घर अगले 24 घंटों के अंदर आने के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत ही खुशियां बरसेंगी। धन से जुड़ी सभी समस्याएं यश में खत्म होने की प्रबल संभावना है। आने वाले 24 घंटों के अंदर महाबली का चमत्कार आप सभी के जीवन काल पर ऐसा चलेगा कि देखते ही देखते आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि मन यश में शांत रखें, महाबली हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी का मंदिर में जाकर आप महाबली हनुमान जी को प्रणाम करते रहें, क्योंकि दोस्तों महाबली हनुमान जी हमेशा श्री राम के आगे शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं।
अगर उनके आगे आप शीश झुका देंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए, हनुमान जी यह बात जानते हैं कि शीश झुकाने का मतलब उनकी आदर, उनकी सम्मान करना है। तो दोस्तों आपके भी जन्मकाल में महाबली हनुमान जी बहुत ही खुशियाँ आपको प्रदान करेंगे, सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो हनुमान जी को गुड़ और चना भी आप चढ़ा सकते हैं, अगर ना हो तो दोस्तों प्रणाम ही कर लें। महाबली हनुमान जी शिव श्रद्धा देखते हैं, हर भक्तों की इलाज रख लेते हैं, उनके जीवन काल में खुशियां बरसाते हैं। तो दोस्तों आपके भी जीवन काल में महाबली हनुमान जी अब ऐसा चमत्कार करेंगे कि जीवन काल से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में जो भी नोक झोंक चल रही थी दोस्तों, देखते ही देखते अगले 24 घंटों के अंदर खत्म होगा, क्योंकि दोस्तों महाबली हनुमान जी आपके साथ यश में रहने वाले हैं। लव लाइफ में चलने वाली छोटी बड़ी समस्याएं जिनसे आप बहुत ही परेशान हो चुके थे, आपका मन उठ चुका था, लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दें कि बैठ कर बात कीजिए। महाबली हनुमान जी कहते हैं कि शांत स्वभाव से किसी भी व्यक्ति से बात करने से उनके जीवन काल में आपके प्रति अवश्य प्रेम जागृत होगा। तो दोस्तों अवश्य बैठ कर बात कीजिए, शांत स्वभाव से बात कीजिए, आपके जीवन काल में जो भी आपके लाइफ में समस्याएं हैं वह तुरंत ही हल होगी। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ की प्राप्ति होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप कोई कारोबारी हैं तो यश में आपके जीवन काल में कार्य की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, कोई नया लाभ आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी जॉब में कार्यान्वित हैं तो दोस्तों यश में बॉस आपके पदोन्नति में वृद्धि कर सकते हैं, योग हैं पद में आपकी वृद्धि होगी। जिस क्षेत्र में आप करते हैं दोस्तों कोई भी कार्य हो उनमें यश में आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही है। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवनकाल की बहुत सारी चिंताएं खत्म होंगी। जो दिन रात आप सोचते थे कि हमारा कार्य आखिर कब बनेगा, हमारे जीवनकाल की चिंताएं खत्म होंगी, कब खत्म होंगी, तो दोस्तों चिंता ना करें, क्योंकि महाबली हनुमान जी अब आपके जीवनकाल में प्रसन्न हो चुके हैं और आपके जीवनकाल से अगले 24 घंटों के अंदर सारी समस्याओं से, सारे दुख तकलीफों से आप सभी को छुटकारा दिलाने वाले हैं। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप किसी भी दुश्मनों पर, किसी विद्यार्थियों पर जो कि आपके सामने बहुत ही अच्छा बनते हैं, ऐसे लोगों पर दोस्तों बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि मौका देखते ही ये लोग आपको पीठ दिखा सकते हैं और आपको भारी धनहानि हो सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर आपको यश में सावधान रहना होगा। उसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दें कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर के माहौल में चलेगा कि सारा परिवार खुशियों में शराबोर रहेगा। आपको बता दें कि देखते ही देखते आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य तो बनेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन काल में ऐसे आपको लाभ के मौके खुलने वाले, ऐसे आपके नए दरवाजे खुलने वाले हैं जिनमें दोस्तों अगर आप कार्यान्वित हो जाए तो दोस्तों आपके जीवन काल में चार चांद लगने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि आप अक्सर अपने पिछले जीवन की हुई घटनाओं को याद करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभार तो आप रोने भी लगते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि डिप्रेशन में आपको कभी भी नहीं आना है, चिंताएं आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटे, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो वो है देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है, सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।